तेरी खैर, मुझे डरा रहे हो? अभी ना चाय बनाई है, किचन ना बिल्कुल खराब हो गया है, शिवाना अभी झाड़ू लगाएगी, शाम का खाना बनाना है। उस्मान ने किया हुआ तंग, ओए तेरी खैर होए। उस्मान आज ना बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह से आंखें भी ठीक हो गई हैं और जिस्म भी। दिखाना उस्मान इधर। आज फिर ना गंदम निकाल दिया है, क्योंकि पहले निकाली थी तो वो फिर ना वो ख़राब होना शुरू हो गई थी, तो आज फिर बब्बर शेर, ओ बब्बर शेर। दादाजी भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, क्या हाल है, तबीयत सियात? शुक्र है दादा, वो हमने चाय पी लिया। गंडड़ी लेकर जा रहा है कपड़ों की, ऐसे ना सुबह लेकर इधर आया था ना, धुलाई के लिए। धुल नहीं गए, सूख भी गए हैं। अभी बस घर लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, पता है इधर मीठा पानी आता है ना, हाँ खाल में, तो इधर फिर कपड़े धोते हैं, क्योंकि इमरान भाई के घर से दूर हो जाता थोड़ा सा। और सुनाए तबीयत सियात? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बस ठीक है। क्या पानी भर दो, क्यों, क्या है, प्यास लगी हुई है? दादाजी क्यों बैठ गए हो? दादाजी इधर थक जाते हैं, चल कर आते हैं, ऐसे ना दादाजी? हाँ थक गए हो, थक गए हो। अभी ना हम आ गए हैं बाहर, तो बकरियों को ना इधर चारे में बांधना है, ठीक है। शिबाना भी साथ है और उस्मान भी, ठीक है। और जी वो ना पेरी का जो दरख्त है ना, उसकी कटाई करी है चाचू जान ने, ये देखें जी उधर, क्योंकि मिट्टी वगैरह डालनी है, वो उधर ना थोड़ा खड्डे लगे हुए हैं, जब बारिश का पानी आता है ना तो जानवरों के नीचे खड़ जाता है। हाँ जी, फिर वैसे उनकी लकड़ी भी खत्म हो गई, उन्होंने कहा कि चलो, लकड़ी की बात नहीं है, वैसे वो मिट्टी डाल देते। अच्छा, आपको पता नहीं है, झिका है ना, आपको पता नहीं है ना, आपको बताएं भी सही ना, फिर भी आपका वो ना थोड़ा दिमाग ना हिल जाता है, याद नहीं रहता। मेरी चाची जान ने कहा है कि मैं गई हूँ ना उनके घर, तो कल मुझे कह रही थी कि आज लकड़ी हमने ना कटवाई है, हमारी लकड़ी नहीं है, मैं अच्छा। तो इसलिए कह रही थी ना। नहीं वैसे वो ना इधर देखें वो घास वगैरह भी नहीं बिजाई नहीं की, क्योंकि उधर से मिट्टी ना वो ट्रैक्टर से फट्टे के साथ ना अंदर लेकर जाएंगे। अच्छा, तो ये साइकिल मोड़ किसका इधर खड़ा हुआ है? पता नहीं किसका है। आसमान देख रहा है, आसमान कहते हैं नया साइकिल मोड़ कहाँ से आ गया? आसमान मोटरसाइकिल कैसे है, ठीक है। आसमान कहता है मैं भूत हूँ, भूत। आसमान भूत है? अच्छा, ए भूत है, हाँ ये है भी भूत। ये देखें मोटरसाइकिल का हाल देखें जी, पुराना मोटरसाइकिल है और सारे उसके ना जो उसके सामान है ना बाहर है, ऐसे ना सामान, कांटा है, कांटा लग गया पैर पर। अच्छा चलो तो खोलो इनको, उधर बांधो फिर, तो ये भाग जाएंगे, आप उधर से इनके जो किले ना वो लगा लें, वो किले लगे हुए हैं, उधर से से बांध दो इसको, उपड़ा हुआ है इधर से हाँ इधर से। बाकी सब अंदर बांधे हुए हैं, क्योंकि इधर स्प्रे किया है ना खाल पर, घास वाली जलाने वाली। हाँ आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ मैं। ये शाम का जी हमारा घर का काम काज होता है, ठीक है। वो आपसे शेयर कर रहे हैं जी। अबू आ रहा हूँ यार मैं, बकरे तो बांध लें। अच्छा जी, एक बकरी इधर बांध दी है, एक उधर बांध रहे हैं, एक किला उधर लगाया है, एक इधर किला लगा हुआ था। हाँ तो शाम को फिर इनको खोल कर ले जाएंगे। हाँ उस्मान की जी बात सुनते हैं, बताओ चलो क्या कहते हो? हाँ मोटरसाइकिल को दिखाना है या देखा है मैंने? हाँ मैंने नहीं देखा, क्या करूँ क्या करूँ? खोल गया है आपने, खोल लिया है, अब चला लेते हो मोटरसाइकिल, चला लेते हो? छोटा है, छोटा है। अच्छा सुनाओ जी बछड़े, बछड़ा जी माशाल्लाह से हेल्दी हो रहा है, अब सेहतमंद है, ठीक है। क्या ही बात है इसकी, जानवर को चारा डाला था वो खा रहे हैं माशाल्लाह से, और सुबह के लिए काटा हुआ है, और जो मुर्गी थी ना बीमार वो भी माशाल्लाह से ठीक हो गई है, उसको ना सिरप दिया था।
ब्रूफन का, ये बैठी हुई है इधर, बिल्कुल ठीक है। बस ये बस अब अंडे नहीं दे रही है, ठीक है। दो तीन मुर्गियाँ ना बड़ी बड़ी हो गई हैं, एक ये एक वो, ठीक है, एक एक ये पता नहीं कब अंडे देती हैं, इनको अंडे देना चाहिए। जानवर ना घास थोड़ा कम खा रहे हैं, इनको पानी वगैरह पिलाते हैं क्योंकि आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। आधे बकरे इधर जो खड़ी हुई हैं, इनको चारा जाते हैं, काटते हैं, इनको डालेंगे। भेड़ एक अंदर भी खड़ी हुई है, उसको बाहर बांधते हैं इस भेड़ को। शुभाना बकरियों के लिए चारा काट कर आ गई, और मैंने जानवरों को पानी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पिला लिया इनको, ठीक है। और नीचे जो गोबर वगैरह होता है ना, वो एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि जब ये जानवर बैठते हैं ना, तो फिर इनके ऊपर ना सारा गोबर लग जाता है जिस्म के ऊपर। इस टाइम ना शिबाना के ज़िम्मे लगे हुए हैं ये बकरियाँ, ठीक है। उस्मान भी इधर ही आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसका सारा दिन ये ओए तो मारते क्यों हो, पहले तो ऐसे नहीं करते थे। हाँ सॉरी करो, सॉरी करो, सॉरी, हाँ सॉरी करो, माफ कर दो, माफ कर दो, कहो ऐसे नहीं मारते, हाँ ऐसे नहीं करते। उस्मान बाय बाय करा दो, बाय बाय करो। अच्छा जी, शिबाना ना सिर्फ बकरियों के लिए कभी कभार चारा काट दिया, वो भी 3-4 दिन हो गए जब से इनको अंदर बांधना शुरू किया है। तो पहले तो बाहर ये इनको छोड़ देते थे, लेकिन स्प्रे हो गई है ना, तो शिबाना को मैंने कहा कि सिर्फ शाम के टाइम ना काम, क्योंकि मुझे ज़्यादा होता है, तो शाम के टाइम शाम को मैं इनको चारा काट डाल देती हूं। चारा मैंने कभी नहीं काटा। हाँ शिबाना ना जानवरों के लिए चारा कभी भी नहीं काटा, ठीक है, वो हम खुद काटते हैं, अब्बू भी काटता है और मैं भी काटता हूँ। हाँ वो देखें उसकी टांग पकड़ी हुई है। आटा मल कर रख दिया अम्मी ने, आटा गूंथ के रख दिया। चलो मैंने कहा वो घास काटते हैं, अम्मी ने कहा फिर देर हो जाती है, वो घास काट कर आएगी। फिर चलती हूँ, बच्चे का दूध बैल भी करना है, उस्मान का ये सर पे मारनी है दांत, रखती हूँ इधर, रख दो ना। तो ये आ गए हो, सलाम करो। वालेकुम सलाम। सबक याद था आज? उस्ताद कहता है कि ये ना सबक याद करके नहीं आते, मुझे उसने कहा है, शिकायत लगाई है आपकी, याद करते हो? ये उमर कहता है कि उमर को नहीं आता, ऐसे याद नहीं करते? हाँ उस्मान, उस्मान पढ़ने जाएगा ना, इसको हर रोज का सबक आएगा, ऐसा ना उस्मान? हाँ उस्मान पढ़ेगा, हाँ उस्मान पढ़ेगा। आप पढ़ते नहीं हो, आप खेलते रहते हो सारा दिन, जब पढ़ने जाते हो तो फिर उधर ना सबक आता नहीं है। हाँ सबक याद क्या करो यार, आप तो बड़े बड़े हो गए हो माशाल्लाह से, आप भी बड़े हो, ये भी बड़ा है। उस्मान को भेजे ना, ये ना सबक याद करेगा, याद है। अच्छा चलो चलो जाओ, मुँह धो, पानी पियो, ऐसे ना उस्मान। ये देखें ये मुझे डांट रहा है ऐसे, अब्बू को डांटते हैं है? मैं तेरा अब्बू कहना पड़ता, मैं ना उम्र दबू पड़ता, तेरा कहना पड़ता। कुटे से वाल हैं, वाल कुटे से? अच्छा चलो, वाल नहीं पड़ता तेरा, मैं बिल्कुल नहीं पड़ता, शायद कहना कहने के लिए था। शुभान अभी दूध बैल कर रही है, दूध बैल हो गया है ऐसे ना? हाँ हो गया है, आग ज्यादा जलाई हुई है ना, तो मैंने कहा दूध गिर ना जाए, इसलिए इसको ज्यादा उबाल आता है ना। हाँ। तो फिर दूध देगची से बाहर चला जाता है। तूरिया बना रही हो? हाँ तूरिया बना रहे हैं थोड़ी सी में। प्याज तो डालो फिर, प्याज है नहीं, खत्म हो गया, तेरा कोई हाल नहीं। चटनी बनाई हुई आज मैंने, शुभाना ने आज कच्चे प्याज बनाए हुए हैं। आप कहते हैं प्याज नहीं है, प्याज तो कच्चे बनाए, कच्चा बना लिया। अच्छा तूरे में दही अपनी तो चटनी बनाई दही की, इसमें सब्ज मिर्च डाली, लाल मिर्च है नहीं तो डाली गई, लाल मिर्च वाली चटनी अच्छी नहीं बनती। ठीक ठीक किया है, और दूध उबाल करके इधर रख दिया है ठंडा होने के लिए, उस्मान और उमर के लिए। रोटी बना के तो वो ना थोड़ा मक्खन पड़ा हुआ है उसके साथ ना माख के रोटियों को फिर हम खाएंगे चटनी के और प्याज के साथ। हाँ सराय के ज्यादा रोटी मक्खो, हाँ दोनों
पानी भी बहुत आली मम्मी ऐसा ना माशाल्लाह जी उस्मान और उमर रोटी खा रहे हैं, दही और मक्खन और प्यास, ऐसे मज़े हैं, मज़े लगे हुए हैं। उस्मान को नहलाया है, उमर को भी, और हुसैन भी खा रहा है। किधर जा रहे हो? मक्खन उस्मान थोड़ा थोड़ा लगाओ, उस्मान ज़्यादा लगाता है। ओ ओ गिर गया है, बस पाँव के ऊपर गिर गया। वैसे शौक से खाते हैं, दही हो चाहे मक्खन हो चाहे प्यास हो, ऐसे ना चबाना। ये मैंने कहा शौक से खाते हैं उस्मान को, और साथ पानी भी पी रहे हैं। हुसैन को मक्खन दिया है ना? हाँ, भी खा रहे हैं मक्खन, चटनी क्या सब कुछ। देसी खाना जी हमारा गांव का देसी खाना यार। हाँ। देसी लोग देसी खाना। हाँ, अभी हम भी खाते हैं, हम अपनी रोटियां ले आए हैं, और हमारी चटनी पड़ी हुई और प्याज भी पड़े हैं, बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह से। अभी उस्मान को देखे जी ओए हमारा मक्खन भी आप हमारा मक्खन भी खा जाओगे उस्मान? हाँ खावे से। अच्छा कपड़े गंदे ना करो, सुबह किसने नहीं खाया ना आज। अच्छा दिल जब होता है ना उस वक्त खाता है। हाँ। मेरे ख्याल में ये मक्खन ठंडा है ऐसे ना। हाँ, फ्रिज में पड़ा रहेगा। चलो ठीक है, क्या बात है उमर की, क्या बात है। हाँ